नमस्कार मित्रों, अभी अगर कुछ देर पहले आप लोग मेरी वॉल पे अगर आके आप लोगों ने अगर देखा हो, सो मैंने माननीय राज्यपाल महोदय से एक स्पष्टीकरण ट्विटर के माध्यम से भी मांगा है और मैं बहुत आपको कॉन्फिडेंस और जानकारी के साथ ये बताना चाहूँगा कि जब तक किसी प्रदेश में कैबिनेट का गठन नहीं होता है, किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री अकेले उनको ही इज़ नॉट ऑथराइज्ड, वो सक्षम नहीं है अकेले किसी भी निर्णय को लेने के लिए। और कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अकेले शपथ ग्रहण की है और केवल राहुल गांधी जी को दिखाने के लिए, आज मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए उन्होंने कल एक असंवैधानिक घोषणा की है। सरकार की तरफ से जो भी निर्णय लिए गए हैं, ये निर्णय लेने के लिए अकेले मुख्यमंत्री अपने मन से ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। निर्णय लेने के लिए कम से कम दो मंत्रियों के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ कैबिनेट का गठन आवश्यक है। और इसका एक उदाहरण आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनी है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बकायदा दो मंत्रियों की शपथ हुई है कल मुख्यमंत्री के साथ में, और बकायदा वहां कैबिनेट की बैठक हुई है और उस कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में अकेले कमलनाथ जी ने शपथ ली है और उन्होंने इस तरीके के निर्णय लेकर और आदेश जारी कर दिए हैं, तो जो कि पूर्णतः असंवैधानिक है। और सही मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वास्तव में ये कांग्रेसी जो हैं, ये जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। ये जो इनकी हरकत है, ये वास्तव में ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि इस तरीके से उन्होंने मीडिया और जनता के सामने सुर्खियाँ तो बटोर ली, लेकिन टेक्निकली चूंकि ये निर्णय वो ले नहीं सकते, तो किसी भी समय इस निर्णय को तकनीकी आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है। सो अब ये करेगा कौन? ये नेचुरली वही लोग करेंगे जो राजनीति की और विषयों की जानकारी रखते हैं, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा ये उसे ये बताएंगे कि ये देखिए किसानों के विरोध में काम कर रहे हैं, ये किसानों के पक्ष में जो हमने निर्णय लिया है ये उस निर्णय को इम्प्लीमेंट नहीं होना देना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि सरकार में आए ये हैं, इनकी जिम्मेदारी है और इन सभी का, मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी का यह नैतिक दायित्व है कि संविधान की संविधान में जो नियम और शर्तें दी गई हैं उनका हमें शत प्रतिशत इनका पालन करना ही होता है, और संविधान की शपथ लेकर ही ये कार्रवाई आगे की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस सरकार के आते साथ ही मध्य प्रदेश में ये पहला घोटाला जो सामने आ गया है वो ये है कि इन्होंने जो घोषणाएं की हैं ये वास्तव में पूर्णतः असंवैधानिक हैं। बिना कैबिनेट की मंजूरी के नीतिगत निर्णय नहीं हो सकते हैं। कैबिनेट का गठन ही नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री अकेले इस तरीके के निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये बात जो है ये मुझे आप लोगों के बीच में लाना आवश्यक लगा, जो अभी मैं ऑलरेडी आप लोगों के बीच में पिछले कुछ दो स्टेटस में डाल चुका हूं और ये वीडियो भी इसी संदर्भ में मैं करना चाह रहा था। धन्यवाद।